गुरुवार को रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के कुश्ती हॉल में गोरखपुर जोन के 44वीं अंतर जनपदीय जूडो जिम्नास्टिक बुशो और ताइक्वांडो महिला और पुरुष प्रतियोगिता 2018 का मुख्य अतिथि एडीजी दावा शेरपा ने किया समापन। गोरखपुर जोन के जूडो जिम्नास्टिक की महिला पुरुष विजेता टीम की मुख्य अतिथि ने जल बैजयंती देकर किया सम्मानित। इस अवसर पर प्रतियोगिताओं के संचालन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर, एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवान, सभी जोन की टीमों के प्रशिक्षक और खिलाड़ी मौजूद रहे। 3 दिन चलने वाली इस प्रतियोगिता में जोन की कुल 9 टीमों ने हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए संचालक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर ने मुख्य अतिथि को बताया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि एडीजी दावा शेरपा खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए प्रतियोगिता के समापन की घोषणा की। एडीजी जोन सर महोदय, अवगत कराना है कि गोरखपुर जोन की 44वीं अंतर जनपदीय पुलिस वुशु जिम्नास्टिक एवं ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2018 का आयोजन आप महोदय के निर्देशानुसार इस जनपद में दिनांक 15/5/2018 तक संपन्न कराया। प्रतियोगिता का शुभारंभ दिनांक 15/5/2018 पुलिस महानिरीक्षण गोरखपुर परिषद गोरखपुर द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में जोन की 11 टीमों को भाग लेना था, किंतु बहराई के प्रतापपुर की टीम इसी कारणवश भाग नहीं ले सकी। इस प्रकार प्रतियोगिता में कुल 9 टीमों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। आज अंतिम दिन में फाइनल मैच संपन्न हुए। पुरुष जूडो प्रतियोगिता में जनपद गोरखपुर ने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर चल बैजयंती प्राप्त करी। महिला जूडो प्रतियोगिता में जनपद गोरखपुर ने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर जल बैजयंती प्राप्त किया। द्वितीय स्थान जनपद सिद्धार्थ नगर ने प्राप्त किया। इसी प्रकार पुरुष जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में गोरखपुर ने 138 अंक प्राप्त कर जल बैजयंती प्राप्त किया। द्वितीय स्थान जनपद कुशीनगर ने प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता को सुचारू रूप से संपन्न कराने में निर्णायकों ने अपना अमूल्य समय देकर पूर्ण मनी रूप से प्रतियोगिता को संपन्न कराया। मैं इनके इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, तथा साथ ही मैं समस्त पत्रकार बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस प्रतियोगिता के परिणामों व अद्भुत क्षणों को अपने समाचार पत्रों में प्रकाशित व प्रचारित एवं ताइक्वांडो प्रतियोगिता वर्ष 2018 इस प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी सफल रहे पुरस्कार के हम सभी को अपनी तरफ से बधाई दें। जिन लोगों को पुरस्कार नहीं मिला उनके लिए भविष्य के लिए शुभकामनाएं, वो भी भविष्य में अपने लिए इस प्रकार के स्थान निश्चित करेंगे और मेहनत लगन और लगातार प्रयास के चलते आप भी
बधाई दूंगा एसएसपी गोरखपुर जो इस कार्यक्रम का आयोजन सचिव भी है तथा अपने समस्त टीम को ये एक सफल आयोजन करने में उन्हें कोई कसर नहीं हुई और आज ये समापन की ओर है। सभी रेफरीज और इस आयोजन से जुड़े उन सभी लोगों को भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स लगातार आगे बढ़ने की उसी से अब यहाँ से जो जूनियर टीम सेलेक्ट होकर जाएंगे मैं उम्मीद करूँगा कि अब आगे जून की टीम में भी अव्वल आएंगे। कई अच्छे खिलाड़ी हमें दिखाई दे कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, कई आइकन तो बिल्कुल नए हैं जैसे वुशु है, इवन ताइक्वांडो में भी हमारी जो स्थिति है बहुत ही प्रारंभिक स्टेज में ही है। तो लगातार व्यस्त रहने के अलावा ड्यूटी के साथ साथ हमारे कर्मी खेल में भी कुछ प्रतिभाएँ दिखा रहे हैं, ये अच्छी बात है। मैं सभी लोगों को शुभकामनाएँ बधाई और धन्यवाद देता हूँ। बस 2018 के समापन की घोषणा करता हूँ।